गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। चैनल पर न्यू हो इसको सब्सक्राइब कर दो, साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंस्टा पे फॉलो करना हो तो फॉलो कर सकते हो, लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वहाँ पे आप लोग हमें लिंक वगैरह भेज सकते हैं। हम डेफिनेटली आपके मैसेजेस रीड करेंगे और उन वीडियोस पे रिएक्ट भी करेंगे। तो आते हैं जल्दी से इंट्रो पे। मेरा नाम वजाहत है, मैं हूँ मुबशिर। आज की वीडियो काफी जबरदस्त होने लगी है, तो उससे पहले अगर आप बैकअप चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो आप मतलब वो कर सकते हो सब्सक्राइब, ताकि आपको डेली के मतलब अपडेट्स वहाँ पर हम देते रहते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर वो लिंक्स आते नहीं है, शो होते नहीं है, तो फिर जाहिर बात है उधर सब्सक्राइब कर लो तो अच्छा होगा, वहाँ पे मैसेज वगैरह कर दिया। हाँ, तो आज की जो वीडियो है यार बहुत ही जबरदस्त ही वीडियो होने लगी है, क्योंकि इसमें चाइना के पसीने छू रहे हैं, क्योंकि यार मजाक के अलावा। हाँ यार, तो वीडियो का टाइटल है 9 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया, एप्पल बिगेस्ट ब्लो टू चाइना। साथ मेरे ख्याल में एप्पल भी शायद पता नहीं क्या, और 9 कंपनीज हैं टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बेस्ट मानी जाती हैं, वो शिफ्ट हो रही है मतलब इंडिया में अपना पूरा प्लांट लेकर। एग्जैक्टली, तो देखते हैं जल्दी से वीडियो क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में ना। तो ट्रेन सब की वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एप्पल फोन्स के लिए हार्डवेयर और कंपोनेंट्स बनाने वाली 9 कंपनीज चाइना से भारत अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट करने वाली हैं। और इन कंपनीज की केवल ये प्लानिंग ही नहीं है, बल्कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने के लिए ये 9 कंपनीज लगभग सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर चुकी हैं। वैसे एप्पल के लिए कुल 11 कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, और अब तक ये 11 कंपनीज चाइना में इन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, पर इन 11 कंपनीज में से 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत में शिफ्ट किया जा रहा है। पूरे विश्व में एप्पल फोन्स की ज्यादातर असेंबलिंग अभी 3 ताइवानीज कंपनीज करती हैं, जिनमें विस्ट्रॉन, फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन शामिल है। और कमाल की बात तो ये है कि ये तीनों कंपनीज अब भारत में ही एप्पल के लिए फोन्स और कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करेंगी। इन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स में से जो सबसे बड़ा नाम उभर के आ रहा है वो है ताइवान की कंपनी चेंगवी प्रिसीजन इंडस्ट्री, जो एप्पल आईफोन्स के लिए केबल्स मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी भारत में फॉक्स लिंक के नाम से रजिस्टर हुई है और चेन्नई में 160 मिलियन रुपीज इन्वेस्ट करने जा रही है, और इस प्लांट में एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स के लिए केबल मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। वैसे अगर आप में से कुछ लोगों को ये लगता है कि इतनी कंपनीज के चाइना से भारत शिफ्ट होने का कारण केवल चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर है, तो हम आपको बता दें कि इस कारण के अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से बहुत सी कंपनीज अपने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से भारत शिफ्ट कर रही है, और वो रीजन है इंसेंटिव जो भारतीय सरकार उन कंपनीज को दे रही है जो भारत में मोबाइल फोन्स और उनके कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। मतलब मैंने सुना भारतीय सरकार कुछ दिनों पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लेके आई थी, जिसके अंतर्गत जो भी भारतीय और फॉरेन कंपनीज भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए निवेश करेगी उन कंपनीज को अच्छा खासा प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव भारतीय सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत 16 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया था, जिनमें फॉरेन और भारतीय कंपनी शामिल थी। इस पीएलआई स्कीम के तहत पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन का 60% हिस्सा बाहर के देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये जाहिर सी बात है कि चाइना को पूरी दुनिया से पंगा लेना थोड़ा महंगा पड़ गया, और अपनी नाक बचाने के लिए पूरी दुनिया ऐसा जाहिर कर रहा है कि कंपनी के जाने से वहाँ की इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब चाहे ये बात सही हो या गलत, पर एक बात तो पक्की है कि चाइना का भारत से पंगा लेना भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि अब भारत समझ चुका है कि चाइना ऐसा देश तो बिल्कुल भी नहीं है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, और इसीलिए आत्मनिर्भर बनने में ही भारत की ज्यादा भलाई है। आप ये मान सकते हैं कि पूरी दुनिया में अभी तक जहां मेड इन चाइना का टैग एप्पल्स के फोन पे होता था, अब आपको उन फोन्स पे मेड इन इंडिया का टैग दिखने वाला है। पर हमको ये बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के पार्ट्स के लिए अभी भी इंपोर्ट पर निर्भर है, और अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि भारत एक असेंबलर से कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर बने। इन 9 कंपनीज की डिटेल्स अगर आप में से कोई भी रखता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर से जुड़े हुए सभी न्यूज आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्लिक करके आप और जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई मेड इन इंडिया खबर के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं। तो ओरिजिनल वीडियो का यार लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। मतलब आजाद क्या 9 कंपोनेंट वाली जो कंपनीज है ना, मतलब 11 कंपोनेंट में से 9 कंपोनेंट्स वाली जो कंपनीज है जो मतलब मिक्स करके चीजें बनती है, वो तो फुल तकरीबन शिफ्ट हो गई है, और सारी पेपर फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी हो गई है, इन्वेस्टमेंट का मतलब प्लांट वगैरह भी सोच रही है, और मतलब कि वो जो 3 है ना वो भी जल्दी शिफ्ट हो जाएगी। एप्पल की अब जो मतलब वो यार फुल एप्पल की जो वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर, मतलब एक अगर कंट्री होता तो 8 नंबर पे उसकी कंट्री होती। ओ माय गॉड यार, इतनी ज्यादा। और यार इंडिया बनने तो जा रहा है आईफोन की प्रोडक्शन का बिग मतलब मार्केट, और यार ऑलरेडी इंडिया को बेस्ट मार्केट समझा जाता है, क्योंकि इंडियन लोग जो है वो महंगी चीजें वैसे भी
एग्जैक्टली उनको बड़ा शौक होता है जिस तरह चाइनीज लेते हैं। तो दूसरी बात यार, मतलब अभी वो जो दूसरा क्या होता है, चैनल टैग लगेगा, अभी तक मेड इन चैनल लिखा आता था, तो अब मेड इन इंडिया आएगा, तो यार मतलब और जिस देखोगे आप लोग आईफोन के पीछे मेड इन इंडिया लिखा, तो वो प्राउड मोमेंट होगा यार आप लोगों के लिए, कसम से यार वो पीर मुबशीर अलग होगी, सही आ जाए ना, वो बहुत जबरदस्त मोमेंट होगा। तो यार पूरे इंडिया के लिए अब देख तुझे, अब हमारा मतलब कोई इस तरह एप्पल फर्ज कर पाकिस्तान आ जाए, अगर वो पाकिस्तान आ जाए उसके पीछे मेड इन पाकिस्तान लिखा, तो कैसा प्राउड मोमेंट होगा यार, इतनी बड़ी कंपनी है जो कि इंडिया में आ रही है, तो प्राउड मोमेंट उसके प्रोसेसर वगैरह जो कुछ सारी चीजें भी जो इंडिया में बनने जा रही है, पूरा एक आईफोन इंडिया में बन रहा है, मतलब पूरा आईफोन अभी जाहिर बात अभी तक चाइना में ही ट्रेंड है, एवरीथिंग उसका मतलब सब कुछ उधर, और अब जाहिर बात है पूरा वर्ल्ड चाइना को यही सुधर देगा, वो एक पिक्चर देखो चाइना यूं आ रहा है पूरा ट्रेन और में उस चाइना को हराने के लिए सब कुछ हो रहा है। और दूसरी बात, इंडिया एक बेस्ट जगह समझी जा रही है उनकी नजर में, पहले इंडिया में और फैसिलिटीज भी क्या पता इंडिया में, इंडिया में दूसरी बात मतलब चाइना में एक होता है कि मतलब वो कुछ तुम हैकड़ी करोगे तो तुम्हें सीधा मतलब बैन कर, तो मतलब थोड़े बहुत सख्त कानून है उधर, तो इंडिया मतलब लोगों की वो सहूलियात देखता है, कंपनी के साथ मतलब वो करता है अपनी मतलब उनके साथ एक अच्छी तरीके से, तो बिल्कुल ज्यादा लोग मतलब देख रहे हैं कि ये वाले चीजें ज्यादा अच्छे हैं, और चैनल रेडी बहुत मतलब वो अमीर है तो थोड़ा जरूरी है। तो और यार ये मुबशीर इससे लाखों लोगों को इन कंपनी में रोजगार मिलेगा, वो जॉब्स करेंगे, लाखों रुपए की कमाएंगे, बड़ी कंपनी में इतनी जॉब्स सैलरी से मोबाइल कंपनी वगैरह में कितनी ज्यादा ज्यादा होगी, रोजगार मिलेगा उनको, जो स्टडी करेंगे जॉब्स के भी मौके पैदा होंगे, और मतलब एम्प्लॉयमेंट जो रेट होगा वो ऊपर जाएगा इंडिया में, मतलब एम्प्लॉयज काफी मतलब उनको नौकरी मिलने लगेगा, अच्छा है। बाय।